नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में आयोजित मध्य प्रदेश ऑटो शो में शिरकत की, जहां मुख्यमंत्री ने बुलडोजर सहित 11 नए वाहन लॉन्च किए। शिवराज ने कहा कि इन्वेस्टमेंट की दिशा में मध्य प्रदेश की धरती पर एक नई क्रांति हो रही। मई में नई स्टार्टअप पॉलिसी भी लॉन्च की जाएगी, ताकि युवा अपने सपने साकार कर सके। सीएम शिवराज ने इस बीच कांग्रेस पर भी काफी कुछ कहा। उनकी वोकेशनल यूनिवर्सिटी आए, टीसीएस इंफोसिस आए, आज मैं उद्योगों को निमंत्रण देता हूं। अभी हम आईटीआई चलाते हैं। कई बार जिस तरह की ट्रेंड मैन पावर की जरूरत इंडस्ट्री को होती है, वो आईटीआई में तैयार नहीं हो पाती। काम कोई और जरूरी है, उससे काम कुछ और रहे, जिनमें तालमेल की जरूरत है। जिसे हम तो ऑफर करते हैं, आईटीआई इंडस्ट्री के साथ जोड़ते हैं। जैसी स्किल्ड मैन पावर चाहिए, तैयार करो, ले जाओ, जॉब दो मेरे बच्चों को, रोजगार दो मेरे बच्चों को। प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने के लिए हमने कहा, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। बेटा बेटियों, बहुत जल्दी अभी इसी महीने, मई के महीने में, पहले दूसरे हफ्ते में स्टार्टअप पॉलिसी में लॉन्च करने वाला हूँ। स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च, उसमें लगाने के लिए जो धन की जरूरत होगी, उसका इंतजाम मामा करवाएगा। तो बच्चों को बताना चाहता हूँ, हमने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना बताई, जिसमें 50 लाख रुपए तक का लोन आपको मिलेगा, जिसकी गारंटी मम्मी पापा नहीं लेंगे, मामा लेगा, प्रदेश की सरकार लेगी। इनोवेशन करो, आगे बढ़ो, और बाकी भी हम रोजगार दिवस महीने में एक दिन मनाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जो अवसर है, उनका पूरा दोहन करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए पूंजी चाहिए। बच्चों, मैं हर महीने एसएलपीसी की बैठक लेता हूं। 12 जनवरी को हमने शुरू किया था, नाराजी भी आए। 5,26,000 बच्चों को स्वरोजगार से जोड़ा। आप सबको इतने कम समय में इतने शानदार शो के लिए बधाई देता हूं। लेकिन ये केवल शो नहीं है। शो का मतलब तो होता है देखो और निकल जाओ, लेकिन यहां तो 11 नए वाहन लॉन्च किए गए। ये इन्वेस्टमेंट की दिशा में एक नई क्रांति मध्य प्रदेश की धरती पर हो रही है।